आज बिजनेस के फंडे जानेंगे अपन भैया से। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी कॉलोनी में सबके जूते और चप्पल सही ठीक कर देते हैं, बड़ी सस्ते से सस्ते रेट में। तो आज अपन इनसे बात करेंगे कि आप अपना बिजनेस बढ़ाए कैसे। आज बिजनेस की क्लास इन्हीं के साथ लगेगी अपनी, है ना। तो मैंने भैया से को एक सजेस्ट किया था कि आप जैसे यहाँ पे शॉप लगाते हो, लेकिन धीरे 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 क्या करो कि आप खुद का कोई शॉप डालो, है ना। इतना दिमाग कम है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके लिए दिमाग कम चलता है, दिमाग भी चलना चाहिए। दिमाग कम चलता है मतलब क्या, आपको पैसे गिनने नहीं आता क्या? पैसे गिनने आता है, हाँ सब तरफ देखना पड़ता है मार्केट कैसा है, जो चल रहा है उसमें गुजारा कर लेते हैं। अच्छा चल रहा है, ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी सोच लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना कंफर्ट जोन, ये भैया भी कंफर्ट जोन में है अपने, ये अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो इसी में खुश हैं कि दो दो वक्त की रोटी मिल रही है, घर का पेट भर रहा है ना, वो इसी में खुश हैं। इसी कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ मत करो, एक कहीं पे भी एक परमानेंट शॉप खोल लो पहले, छोटी सी, जैसे आप यहाँ लगा रहे हो ना ऐसे ही दुकान वहाँ लगा लेना शुरू करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या करोगे, एक दो जूते खरीद लो किसी से सस्ते सस्ते मार्केट में जो आते हैं, जो सस्ते आ जाते हैं, 50-100 रुपये की चप्पल आती हैं, जो सही, सही। स्लीपर रखना शुरू करो, स्लीपर रखो साथ में चप्पल भी सिलते रहो, कोई दिक्कत है? सही बात, सही। स्लीपर भी रखो साथ में चप्पल भी सिलते रहो, और फिर धीरे धीरे जैसे आपको फ़ायदा बढ़ेगा, क्योंकि आप देखो अगर आप सिलाई की 20 रुपये ले रहे हो, जूते चप्पल की सिलाई की 20 रुपये ले रहे हो, ठीक है, और मान लो कि आपकी 50 रुपये की चप्पल बिक गई उसके साथ में, तो आपको जो 20 रुपये मिल जाएंगे उसमें 30 रुपये की खरीदोगे आपको तो 30 रुपये की पड़ेगी, वो 50 की आप बेच दोगे तो 20 का वो फ़ायदा हो गया, वो सामने वो आपका चप्पल का सिलने का काम भी चल रहा है, दोनों चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप शुरुआत में तो लगत लगानी पड़ेगी, हम थोड़ा कह रहे हैं आपसे कि लाखों रुपये लगाना है, और इसमें कौन सा दिमाग लग रहा है, कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है हमको, है ना, कि कोई वैज्ञानिक करके कोई रिसर्च करने जाना है। सही बात, आप जैसे सिल रहे हो वैसे ही जूते बेच देना, वो पूछेगा कितने का तो आपको बता देना इतने का है, उसको पसंद आएगी तो लेके चला जाएगा। सही बात, सही बात, है ना। तो इतने ही मैं बात कह रहा था कि आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। ये क्या है, अभी संतुष्ट हो गए अपनी लाइफ से कि भाई दो वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कभी भी कोरोना फिर से आ जा सकता है, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, है ना। तो आप उसके लिए तैयार, आप कोशिश करो कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप अभी ये कर रहे हो, मान लो कि आप 80 साल के हो जाओगे तब तो ये काम नहीं कर पाओगे। सही बात, लेकिन आपको पैसे तो सेविंग होगी नहीं आपकी, जब सेविंग नहीं होगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सही, तो अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन सा दिमाग चाहिए ये बताओ। सोचेंगे, हाँ PhD चाहिए, ठीक है सोचेंगे समझेंगे। सोचोगे? ये तो क्या एकदम से, एक तो दिमाग में बात को याद नहीं सकती है सोचने के लिए, कुछ दिमाग तो खुलना पड़ेगा भाई। खोलोगे समय के अनुसार, समय के अनुसार, ये भी बात है कि वो बोल रहे कि समय के अनुसार खोलेंगे, तो समय कब आएगा आपका वो? ये ठीक नहीं है ना। देखो अपना काम था बताने का, अब अगर वो मेहनत करते हैं तो सक्सेस उनके पास में रहेगी, अगर नहीं करते हैं मेहनत तो 80 साल में भी यही काम करेंगे, दो वक्त की रोटी मिलेगी खाने, हो सकता है वो भी मुश्किल हो जाए बाद में, लेकिन अगर वो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो शायद आपका कुछ हो जाएगा। और कल के दिन मुझे याद करोगे तो फिर बताना कैसा रहा आपका। ठीक ठीक है ना, आपने जो शिक्षा दी है ठीक दी है। अगर अगर कुछ दिनों के बाद अगर इनकी शॉप खुल जाती है तो मुझे भी खुशी होगी, अगर आप करोगे कोशिश तो। ठीक ठीक, कोशिश करेंगे, कोशिश करना करेंगे। अगर आपकी शॉप खुल जाएगी तो पहली पहला मैं ही खरीदूंगा आप, हाँ, कस्टमर, ठीक है, और डिस्काउंट भी लूँगा आपसे, जो भी है, है ना।